उत्तम सत्य का दिन है और उत्तम सत्य सत्य भी हो, सत्य का दिन है इसका मतलब है कि असत्य को कोई स्थान नहीं और असत्य बोलने पर सत्य नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने दर्पण के संदर्भ में बहुत सुंदर बात कही और उन्होंने कहा कि हे दर्पण, तुम टूट कर करके भी झूठ नहीं बोलते हो। कि हे दर्पण, तुम टूट करके भी झूठ नहीं बोलते हो। और एक हम लोग हैं कि एक हम लोग ही हैं कि टूटने के डर से सत्य नहीं बोलते, कि टूट ना जाए, कहीं कोई मतभेद ना हो जाए, कहीं बात ना बिगड़ जाए, इसलिए क्या कर लो, झूठ को स्वीकार कर लो। और यही कारण है कि अपन देखें झूठ का बोलबाला क्यों है। झूठ का बोलबाला ही इसलिए है कि जो सत्य बोलने वाले हैं वो चुप हो गए, शांत हो गए। तो इसलिए ये कहा गया कि दर्पण देखिए टूट भी जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके, कितने भी टुकड़े हो जाए, पर वो क्या करता है, अगर उसके सामने जाओगे तो हर टुकड़े में तुम्हें आपका वो चेहरा दिखा देगा। पर हम एक हम ही लोग हैं कि यही सोच सोच करके कि टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, और कितने सारे संकल्प विकल्प जो हैं हमारे दिमाग में हैं जिन्हें हम कह नहीं पाते। आज अपन देखें कि सबसे बड़ा दुख क्या है व्यक्ति का, सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज हैं और बहुत सारे मैसेज हैं जो हमारे डिप्रेशन का कारण है। और डिप्रेशन का कारण है ना तो हम किसी से कह पा रहे हैं और ना मन में पचा पा रहे हैं, और वही जो दुख तकलीफ है उन मैसेजों की कि किससे कहें, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं। सुनाते हैं तो घर की हंसी है, सुनाते हैं तो क्या होगा, हमारी इज्जत और खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, मनी मन में उन बातों को दिमाग में रख करके और व्यक्ति क्या करता है, खाना पीना नींद सब कुछ चैन उसका खो जाता है और डिप्रेशन में व्यक्ति बना रहेगा। इसलिए मैंने इसके लिए कुछ चार पंक्तियां पहले बनाई थी, पर वो सुना दूं। सो संगीत का साथ देना भाई, कि कौन सुनेगा, कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने ही हमसे, अपने ही हम, अरे आवाज क्या हो रहा भाई, आज क्या हो गया तुम्हें, अपने ही हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने ही हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। पर मैं चार पंक्ति इसमें और जोड़ रहा हूं, तो गुरुदेव के लिए समर्पित कर रहा हूं कि आज सत्य का दिन है और ये सत्य का बाना देने वाला यदि कोई है तो वो गुरु हैं। और एक बार हमारे बबलू भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार, जिससे वो अच्छी आवाज को सेट कर दें आज। और गुरु गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव यहां से बहुत दूर बंटी की ससुराल में चतुर्मास कर रहे हैं, अच्छा बहन है वहां पर, लड़के की ससुराल है, चलो अच्छा अच्छा, तो लड़के की ससुराल है तुम्हारी ससुराल, क्योंकि समझी तो तुम्हें मिला।
रख ऐसे जो संति मिलता है और समझन मिलती है। तो क्या बोल रहा है गुरुदेव के चरणों में चार पंक्तियां कलकत्ता पहुंचा रहे हैं, मैं ही पहुंचा देता हूं यहां से डायरेक्ट। कि तुमसे दूर रहकर गुरुवर खम्बे को तिल लगाते हैं, तुमसे दूर रहकर गुरुवर खम्बे को तिल लगाते हैं, दुनिया वाले जान न जाने अधर मेरे मुस्कुराते हैं। आंख से आंसू बहना जाए इसीलिए चुप रहते हैं, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसीलिए चुप रहते हैं, कौन सुने। तो महाराज तो आज काय का दिन है, सत्य का दिन है। जैसे कहा जाता है कि किसी ने पूछा एक बच्चे से कि बतलाओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन किस दिन का है, पूरे डेट ऑफ बर्थ क्या है। उस बच्चे ने कहा 7 तारीख। बच्चे ने कहा 7 तारीख। तो बोले तुम्हारी माँ का बर्थडे कब का है, तो मैंने कहा 7 तारीख। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि बेटे का बर्थ 7 तारीख को और माँ का बर्थ भी 7 तारीख को। तो बोले अगर मैं पैदा नहीं होता तो माँ कैसे कहलाती। इसलिए माँ का बर्थ पूछा है ना आपने कि तुम्हारी माँ का बर्थ कब है, इसलिए माँ का बर्थ तो जो बेटे का बर्थ है वही माँ का बर्थ है। तो आज इसलिए सत्य का दिन है, तो आज मेरे गुरुदेव का दिन है क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया, तो आज से वो मेरे गुरु, मैं उनका चेला बना, इसलिए आज उनका भी बर्थ है। इसलिए आज का पूरा दिन गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है भावों से, और यही भावना से कि आचार्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब भी बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो। मैंने कहा हितकारी तो ठीक है, हित मित का मतलब क्या है। हित तो ठीक है कि हितकारी वचन बोलो, फिर मित का मतलब क्या होता है। बोले मित का मतलब होता है कि सीमित शब्द बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में भी यही बात कही गई कि शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, अच्छा बोलो मीठा बोलो। तो आचार्य ने कहा कि जब भी बोलो तो हितकारी बोलो, और क्या बोलो, मित यानी सीमित बोलो और प्रिय लगने वाले बोलो। कि दूसरों के लिए कैसे लगें, प्रिय लगें, क्योंकि कभी कभी सत्य वचन भी असत्य का बाना ओढ़ लेते हैं, सत्य भी असत्य रूप बन जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि समय द्रव क्षेत्र काल भाव को देख करके हमारे शब्द कभी कभी असत्य भी सत्य हो जाते हैं और सत्य भी असत्य हो जाते हैं। उनका कि ये बात कैसे बेटे, बोले कि सत्य तो बोलना चाहिए। बोले कि सत्य तो नहीं बोलना चाहिए पर मधुर सत्य बोलना चाहिए। कैसा सत्य बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, मधुर सत्य बोलना चाहिए। बोले भाई सत्य से सत्य होता है, मधुर सत्य का मतलब क्या होता है। बोले कि मधुर सत्य जो है सामने वाले का को दुखी नहीं करता, उसके परिणाम को नहीं दुखाता है। अगर परिणाम दुखते हैं तो क्या होता है, वो भी असत्य शब्द हो जाते हैं। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैर से लाचार हो और कोई उसको लंगड़ा बोल दे, अब एक और तो देखे तो तुम सत्य बोल रहे हो कि लंगड़े से तुमने लंगड़ा कहा है, मगर उसके दिल से पूछ के आओ कि अब उसके दिल पर क्या बीत रही है, उसको कैसा लग रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, तो आपने सत्य बोल करके भी असत्य बोल दिया। तो इसलिए कहा गया कि कैसा बोलें, तो बोले कि काने से काना कहो तो रूठ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए बोलो क्या बोले कि सत्य बोलो पर मधुर सत्य बोलो। कि मधुर सत्य कैसा बोलें, तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आचार्यों ने। बोले कि एक राज्य में 2-3 कारीगर आए, बहुत सुंदर कलाकार थे और सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। उन्होंने राजा से जब उनकी भेंट हुई तो राजा ने पूछा कि भाई आपके पास कौन सी कला है। उन्होंने कहा महाराज हम लोग चित्रकार हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी करते हैं
और हम चाहते हैं कि आपकी सेवा में हम कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करें। बोले ठीक है करो। बोले 6 महीने का समय चाहिए, एक चित्र बनाएंगे हम लोग। बोले बनाओ। और तीनों ने क्या किया, जब चित्र बनाने के लिए, क्योंकि ये नियम है कि जिसके राज में रही है उसके जैसी कहिए, और उन्होंने देखा कि जिस राजा के राज में हैं तो चित्र हम किसका बनाएं, तो उनका चित्र राजा का ही बनना चाहिए। और तीनों के मन में एक ही विचार आया कि राजा का चित्र बनाया जाए। पर राजा के अंदर एक छोटी सी कमी थी, और वो कमी ये थी कि राजा एक आँख से काना था, पर राजा था। अब उन्होंने क्या किया, 6 महीने के बाद तीनों का चित्र बनकर के तैयार हो गया। और जब चित्र बन के तैयार हो गया तो उन्होंने राजा से निवेदन किया कि महाराज चलिए आप चल कर के उस चित्र को देखिए और कैसा चित्र बना है हमें आप बतलाइए। सारा मंत्रिमंडल वहाँ देखने के लिए गया। पहले चित्रकार ने अपना चित्र जो था, जैसे हम रोज एक गुरुदेव की फोटो को कपड़े से ढक देते हैं, वहाँ भी कपड़े सुंदर कपड़े से ढकी हुई थी। राजा ने क्या किया, उसको ओपन किया, और जैसे ही ओपन किया, अनावरण किया उसका, तो सब लोग देख कर के रह गए। और देखा तो क्या देखा कि बहुत सुंदर पोज था, और बहुत सुंदर पोज था, इतना सुंदर पोज था कि राजा भी देख के रह गया कि कितना सुंदर पोज है। सारे लोग बोले कि ये तो बिल्कुल नंबर एक। पर राजा चुपचाप देख रहा था। राजा से बोला कि चलो महाराज कैसा लगा चित्र आपको। बोले ये झूठ है। कि झूठ है? बोले हाँ। बोले देखिए चित्रकारी ने, चित्रकार ने कोई कमी नहीं रखी, पर उसने चित्र के बनाते समय क्या विचार किया कि राजा एक आंख से काना है, पर ये चित्र में अगर काना बनाऊंगा तो चित्र अधूरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, दोनों आंख बना दी। और दोनों आंख बना दी, पर मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि ये तो झूठ है, इसलिए ये चित्र क्या हुआ, अच्छा होकर के भी असत हो गया। दूसरा चित्रकार बोला महाराज दूसरे कमरे में चलिए, उस चित्र को देखिए। राजा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गया, और वहाँ जाकर के क्या देखा, वहाँ जाके देखा तो जैसे ही उसको ओपन किया, सारे लोग बोले क्या सुंदर चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है, ये तो नंबर एक आएगा। पर राजा ने देखा, राजा फिर चुपचाप हो गए। बोले कि क्या हुआ महाराज, ये तो प्रथम रहेगा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ये कड़वा सत्य, क्योंकि चित्रकार ने जैसा राजा था वैसा का वैसा पोज बना दिया, एक आंख उसमें नहीं बनाई। बोला कि ये सुंदर तो दिख रहा है, पर ऐसा मैं हूँ, ये मानता हूँ, पर फिर भी कड़वा सत्य है, इसको मैं पचा नहीं पा रहा हूँ। बोले क्या बात है, चलो तीसरा चित्र देखो भाई। जब तीसरे चित्र के पास पहुँचे और वहाँ पर जैसे ही चित्र का अनावरण हुआ, राजा बोला वाह क्या बात है, ये चित्र है, ये बहुत सुंदर चित्र है, अति सुंदर है। सब लोग तालियां बजाने लगे, है ना भाई, क्या है उस चित्र में? तो उस चित्र में क्या किया, जो चित्रकार था बड़ा विवेकी था, उसने जैन दर्शन में पढ़ा होगा। अब उसने सोचा अगर आँख बनाता हूँ तो झूठ हो जाएगा, आंख नहीं बनाता हूं तो कड़वा सत्य हो जाएगा, इसलिए आचार्यों ने कहा है कि मधुर सत्य होना चाहिए। इसलिए मधुर सत्य बनाने के लिए उसने एक बड़ा दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, और सोच विचार करके ये विचार किया कि ना इसकी मैं आंख नकली बनाऊंगा और ना असली दिखाऊंगा। उसने क्या किया, शूरवीरता का चित्र दिखाया रणभूमि का, और रणभूमि में उसने क्या किया कि एक हाथ में तो दे दिया धनुष और दूसरे हाथ में जो बाण खींचा, तो जो आंख थी नहीं वो बाण उस आंख तक आ गया, वो हाथ जो था दूसरा जैसे खींच रहा था वो हाथ कहां ले आया, आंख के पास। इसलिए आंख दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
और दूसरी आंख दिखा दी, बिल्कुल देख रहा है कहाँ निशान लगाना है, और वो चित्र बना दिया। सभी लोगों ने बड़े खुश हुए और उस चित्रकार का सम्मान किया गया। आचरण का ऐसा मधुर सत्य होना चाहिए, मधुर सत्य होना चाहिए, सत्य तो हो। तीसरी ये आचरण बोलने की ध्यान रखना, सत्य धर्म अलग है, सत्य अलग है। इसलिए आज हम लोगों को क्या करना है, सत्य को स्वीकार नहीं करना है, सत्य धर्म को स्वीकार करना है। और सत्य धर्म को जब स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, मधुर सत्य को हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा सत्य कैसा होना चाहिए। महावीर भगवान के जीवन की घटना आती है, लोग कहते हैं कि अब किम बदंती है ऐसा, क्योंकि सिद्धांत को देखते हैं तो वो उदाहरण पढ़ने में लगता है कि कहीं कहीं से कैसा होगा। तो उसमें आता है कि भगवान महावीर स्वामी, वैसे सिद्धांत तो कहता है कि दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं, पर उस चित्र में, उस संस्मरण में ये कहा गया कि भगवान महावीर स्वामी साधना में रत थे, तभी एक हिरण वहाँ से भागता हुआ आया और वहाँ जाकर के किसी दूसरी दिशा में जाके छुप गया। और जब ऐसे शिकारी वहाँ ढूंढते ढूंढते आया तो भगवान खड़े हो गए, और खड़े हो गए उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ से आपने किसी को निकलते हुए देखा है हिरण को? तो उन्होंने कहा जब से मैं खड़ा हूँ, इशारे से कहा, जब से मैं खड़ा हूँ तब से तुम्हें नहीं देखा। खड़ा हूँ, अब खड़े कब हो गए ये तो पूछा नहीं, कब खड़े हो गए तुम, और खड़े तो कब हो गए उसके निकलने के बाद? तो उन्होंने झूठ बोला ना सत्य बोला, उन्होंने कह दिया जब से मैं खड़ा हूँ तब से तुम्हें नहीं देखा। मधुर सत्य है महानुभाव। आचार्य भगवान बोल रहे हैं ऐसे मधुर सत्य को अपने जीवन में अंगीकार करना, जिससे कि हमें जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये ध्यान रखना, अभी अपन देख रहे हैं हमारा सारा वर्ल्ड जो है हथियारों की होड़ में है। कभी कभी अपन रोज न्यूज़ सुनो, अखबार पढ़ो तो क्या हो रहा है, कभी बम की बात चल रही है, कभी अणु बम की बात चल रही है ना, प्रतिदिन कोई ना कोई ये बात चलेगी। और भगवान महावीर स्वामी ने हम जैनों के हाथ में, जैनों के हाथ में नहीं, क्षत्रियों के हाथ में एक ऐसा बम दे रखा है कि उस बम के मुकाबले में ना रूस का बम है, ना अमेरिका का बम है, ना जर्मनी का है, ना जापान का है, ऐसा बम दिया। आचार्यों ने कहा है क्या अणु बम की बात करते हो, बात करना है तो अणुव्रत बम की बात करो। बोले देश को अणुबम की आवश्यकता नहीं है, देश को आवश्यकता है अणुबम के विरुद्ध में कौन सा ऐसा बम है जो अणुबम को भी निष्क्रिय कर दे। बोले वो है अणुव्रत बम। और महानुभाव आज जब मैं चौके में पहुंचा, छापा जहां मारा, आज उस चौके में पहुंचा जहां पर कोई सबरी मीरा इंतजार कर रही थी ना, और वहां पर एक वो अम्मा जो आपके चौके में आई थी, बोले प्रदीप जी हमारे भैया हैं तो साथ में आहार देंगे, फोटो खिंचाएंगे ना। उन माता ने आज सत्य के दिन 5 प्रतिमा धारण करके आहार दिया, 5 प्रतिमा लेकर के। क्योंकि मेरा आज नियम यही था कि मैं ढूंढ रहा था कि आज सत्य व्रत को धारण मैंने किया है तो आज किसी को सत्य व्रत धारण करवा करके आहार लूं। और महान भाव 5 प्रतिमा उन्होंने धारण की। और जब लौट के आ रहा था तो हमारे मनोज बूरे वाले बोले माजी घर पे पैर धुला दो, रास्ते में ही हैं। तो मैंने कहा देखो सत्य का दिन है, ध्यान रखना, सत्य का दिन है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज ना। तो आज दोनों पति पत्नी को भी एक एक प्रतिमा दे दी। हाँ तो आज का आहार जो है कीमती आहार हो गया, क्योंकि आज का आहार कीमत से नहीं किस्मत वालों को मिला। और जब किस्मत वालों को मिला तो मैंने कहा किस्मत से मिला है, जब किस्मत से तुम्हें गुरु मिल गए तो गुरु की कुछ पहचान तो ले लो। और उन्होंने 5 प्रतिमा धारण की। महान भाव आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, सत्य का दिन है। और सत्य के दिन में हम सभी लोग यही प्रयास करें कि जितना, क्योंकि एक झूठ बोलोगे तो उसको, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। और एक सत्य बोल दो सीधा, कुछ देर की बुराई सारा दिन का आराम, एक दिन की बुराई हमेशा का
आराम हो जाए, ऐसे सत्य धर्म को हम लोग अंगीकार करेंगे। क्योंकि बच्चों का भी समय है और मैं आप सबसे तीन बार एक जाप करवाऊंगा, बोलेंगे सब लोग हाथ जोड़ो और बोलेंगे ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाए नमो नमः, ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाए नमो नमः, ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाए नमो नमः। बोलो उत्तम सत्य धर्म की